हेलो गाइस, मैं सतीश सर आप लोग का दिव्या एजुकेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए आज हम टॉपिक लाए हैं अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे फाइंड आउट करने से पहले हम आप लोग को मोटिवेट कर रहे हैं। देखिए किसी भी संघर्ष से आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसले से उड़ान होती है। तो आइए देखते हैं हम अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम दो ध्रुव लेंगे, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश। इनके बीच की दूरी कितना है, 2L लेंगे। इसको मानते हैं ए बी और इसको मानते हैं ओ। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं। इसके बीच की दूरी आर है। अब देखिए दोस्तों जो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश से बल लगता है इससे दूर जाता है। यानी इधर लगेगा बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। अब माइनस क्यू से माइनस क्यू की ओर आता है। E1। इसी तरफ यहाँ पर बल लगेगा प्लस क्यू आवेश के कारण इससे दूर, यानी E1 आना लगेगा E2। और देखिए यहाँ पर हम लेते हैं इतना, अगर हम दूरी देखिए पहले देखिए ये बीच की आधा दूरी है L मानते हैं और इसको भी L मानेंगे। अब इतना हमको दूरी निकालना है, इतना दूरी निकालने के लिए इतना हमको घटाएंगे, इतना घटाएंगे तभी ना इतना दूरी निकलेगा। बोलिए देखिए इतना दूरी हम लेंगे R माइनस L। कमेंट हाँ दिखाई दे रहा है, हाँ अर्जुन विशाल हाँ राइट। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ से माइनस क्यू आगे से दूरी लेंगे बिंदु P तक, इसका दूरी लेंगे हम R प्लस L। क्यों R प्लस L, देखिए ये हमारा यल है या आई आर, ये दोनों जुटेगा तो आर प्लस यल। सामने चलते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ सकते हैं आप लोग, E बराबर E1 माइनस E2। परिणामी तीव्रता निकालने के लिए ये सूत्र है E बराबर E1 माइनस E2। इसके साथ लीजिए निकालने जा रहा हूं। E बराबर E1 माइनस E2। हम जानते हैं क्योंकि E बराबर 1/4 πε₀ E/r² होता है।
तो प्रोग्रामिंग तीव्रता निकालने के लिए E बराबर 1/4 pi ε0 Q/r1² -1/4 pi ε0 Q/r2² बराबर ये देखिए 1/4 pi ε0 क्यू और 1/4 pi ε0 क्यू कॉमन दे रखा 1/4 pi ε0 क्यू कॉमन हो गया तो हमारे पास क्या बचेगा 1/r1² -1/r2² देखिए ई बराबर 1/4 pi ε0 क्यू और देखिए r1 के लिए हम लिए थे r+r लिए थे -1/r-r तीन लिए थे और इसके जगह को r- लेते हैं r+r E बराबर 1/4 pi ε0 क्यू इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा r+r होल स्क्वायर का होल स्क्वायर -r+l का r-l का होल स्क्वायर यहाँ बचेगा हमारा r-l का होल स्क्वायर और r+l का होल स्क्वायर और इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए 1/4 pi ε0 क्यू इसको तोड़िए a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़िए a² + b² + 2rl -r² - l + l² - 2rl यहाँ आएगा इसको क्या लिख सकते हैं r² - l² लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं ना तो यहाँ तक स्क्रीन शॉट लीजिए और देखिए यहाँ से अब e बराबर रह जाएगा 1/4 pi ε0 क्यू r² + l² + 2rl अब यहाँ हो जाएगा माइनस r² + l² l² + 2rl इसको लिख सकते हैं r² - l² का स्क्वायर अब e बराबर 1/4 pi ε0 क्यू r² - r² कैंसिल l² से l² कैंसिल अब हमारे पास बचा 2rl + 2rl यानी 4rl r² - l² का होल स्क्वायर e बराबर 1/4 pi ε0 क्यू 4rl को क्या लिख सकते हैं 2l × 2r
हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मिटा दो, स्क्रीन शॉट लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। यहाँ से बात आ जाएगा e बराबर 1/4 π ε₀। हम जानते हैं विद्युत ध्रुव बराबर ये होता है P बराबर होता है Q इंटू 2R। क्योंकि P बराबर Q इंटू 2R तो हम Q इंटू 2L 2R लिख सकते हैं और उसके बाद लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। E बराबर 1/4 π ε₀। इतना Q इंटू 2L को लिख सकते हैं P आर स्क्वायर इंटू माइनस माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर गुणे इतना 2R है। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 π ε₀। देखिए हम जानते हैं R स्क्वायर बहुत 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 बड़ा है L स्क्वायर से, तो L स्क्वायर को नगर मान लेंगे तो P इंटू 2R बटा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर जरा नहीं इसको रहने दीजिए। E बराबर 1/4 π ε₀ P इंटू 2R। इसको क्या लिख सकते हैं आर घात 4 तो हो जाएगा हमारा सिंपल 1/4 π ε₀ इंटू एक आर से एक आर कैंसिल 2π/r³। दैट्स ऑल, समझ आ गया। जो भी इसमें गड़बड़ी हो कमेंट करके बताइए प्लीज। दोस्तों मेरा इस चैनल दिव्या स्कूल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।